सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत जो है उसमें सार्वभौम प्रत्यय क्या है इसको जानेंगे। परीक्षा के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुने। प्लेटो ने अपने प्रत्ययवाद के अंतर्गत सामान्यों के विषय प्रत्ययों को ही मात्र सत माना तथा कहा कि प्रत्यय सामान्य है तथा वे अपनी सत्ता के लिए विशेषों पर निर्भर नहीं है, बल्कि विशेष सामान्य पर निर्भर है। उनके भीतर एकांकी संबंध है, अरस्तु को यह मान्य नहीं है। उन्होंने अपने मेटाफिजिक्स नामक ग्रंथ में प्लेटो के उपरोक्त सिद्धांत का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। उनकी आलोचना का मुख्य विषय यह है सामान्य द्रव्य रूप नहीं है, अर्थात सामान्यों का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य गुण रूप है और इसलिए द्रव्य से स्वतंत्र सामान्य का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। अरस्तु प्रश्न करता है कि क्या केवल लाल दिखा सकते हैं? स्वतः स्पष्ट है कि नहीं, क्योंकि लालिमा होगी तो केवल लाल रंग के किसी द्रव्य के साथ ही होगी, लालिमा स्वतंत्र नहीं रह सकती। अरस्तु के अनुसार संसार का कोई भी द्रव्य वस्तु अन्य द्रव्य के समान नहीं है, बल्कि यह भिन्नता के लिए हुई है। इस भिन्नता के कारण ही प्रत्येक द्रव्य अपने आप में विशेष है। चूँकि संसार के समस्त द्रव्यों में एक तत्व सामान्य है तथा एक तत्व विशेष है, अतः संसार का प्रत्येक द्रव्य सामान्य तथा विशेष की युति है। संसार के द्रव्यों का जो आकार है वह सामान्य है तथा इन द्रव्यों का जो मैटर तत्व है वह विशेष है। यह मैटर तत्व ही प्रत्येक द्रव्य आकार तथा मैटर की युति है। यही कारण है कि संसार का कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें केवल मैटर हो, अर्थात लेस मात्र भी आकार न हो। इसी प्रकार ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें केवल आकार हो और लेस मात्र भी मैटर न हो। अन्य शब्दों में व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो शुद्ध मैटर या शुद्ध आकार हो। अरस्तु के अनुसार यद्यपि मैटर और आकार एक दूसरे से भिन्न स्वभाव वाले हैं, फिर भी उनके परस्पर विरोधी स्वभाव के कारण उनके बारे में तार्किक दृष्टि से अलग अलग विचार किया जा सकता है। यह मान्यता कि आकार का अस्तित्व मैटर से पृथक है एक प्रकार से प्लेटो के प्रत्ययवाद की ओर वापस लौटना होगा।
इसलिए अरस्तु कहता है कि आकार मैटर से पृथक नहीं रह सकता। अतः स्पष्ट है कि अरस्तु की आकार एवं मैटर विषयक अवधारणा व्यवहारिक दृष्टि से सापेक्ष है। कोई द्रव्य एक दृष्टि से मैटर है तो दूसरी दृष्टि से आकार है। अरस्तु के अनुसार जिसका परिवर्तन होता है वह मैटर है और जिस ओर परिवर्तन होता है वह आकार है। अरस्तु ने आकार को आकृति की अपेक्षा अधिक व्यापक माना है। आकृति सदैव आकृति रहती है, इसके विपरीत आकार सापेक्ष होता है। एक दृष्टि से जो आकार है अन्य दृष्टि से मैटर भी हो सकता है। आकार से किसी द्रव्य के संपूर्ण संगठन अथवा संरचना का बोध होता है। इसके अंतर्गत द्रव्य के समस्त व्यापारी का समावेश हो जाता है। वस्तुतः आकार से तात्पर्य द्रव्य के समस्त गुणों का सार तत्व से है, तथा मैटर वह आश्रय है जिसमें सभी गुण निहित होते हैं। अरस्तु ने शुद्ध मैटर की कल्पना आकार से रहित और उसके विपरीत तत्व के रूप में की है। इससे एक अनिश्चित निराकार तथा निरपेक्ष तत्व का माना है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। विभिन्न द्रव्यों के रूप में पाए जाने वाला भेद आकार के कारण होता है, क्योंकि मैटर के गुणों का नितांत अभाव पाया जाता है। इसीलिए मैटर के आधार पर एक द्रव्य को अन्य द्रव्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। वास्तव में एक द्रव्य का अन्य द्रव्यों से भेद गुणों के कारण होता है। गुण सामान्य आकार होता है, इसे सिद्ध होता है कि आकार के द्वारा ही मैटर अनेक रूप धारण कर सकता है। अरस्तु के समान वैशेषिकों ने भी गुण को सामान्य आकार माना है। कणाद के अनुसार हम गुणों को सामान्य तब कह सकते हैं जब वह अनेक व्यक्तियों में रहता हुआ पाया जाता है, किंतु किसी गुण की विशेष तभी कहा जा सकता है जब हम उसके उदाहरण या उसके कारण द्रव्य को दूसरे द्रव्यों का भेद कह सके। अतः अरस्तु का मत है कि सामान्य विशेषों में व्याप्त होता है, यह विशेषों के माध्यम से अभिव्यक्त हो सकता है तथा सामान्य को बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है। अरस्तु के अनुसार मैटर में तो असत है, किंतु उसमें गतिशील होने की संभावना होती है। आकार मैटर को गति प्रदान करता है, जिससे आकार ग्रहण करके द्रव्य के रूप में वास्तविक हो जाता है। अन्य शब्दों के मैटर में
जो साध्य था वह सिद्ध हो जाता है। अरस्तु के इस विचार के कारण ही उन्हें सत्कार्यवादी दार्शनिक की संज्ञा दी जाती है। अरस्तु के अनुसार कालिक दृष्टि से मैटर आकार का पूर्ववर्ती है, क्योंकि मैटर संभव्यता के रूप में आकार से पहले ही विद्यमान है। इसके विपरीत तार्किक दृष्टि से आकार मैटर का पूर्ववर्ती है, क्योंकि मैटर आकार के रूप में रूपांतरित होकर ही वास्तविकता को प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।